हेलो प्यारे बच्चों, कल हम लोग इंटीजर्स का क्लास 2 किए थे, आज हम इंटीजर्स का क्लास 3 करेंगे। ये आपके इंटीजर्स समझने की आखिरी क्लास होगी। तो आज हम इंटीजर्स में अगले टॉपिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इंटीजर्स में हम लोग एडिशन कर लिए, सब्ट्रैक्शन कर लिए, फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 by -7। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो 18 multiply by -7 होगा। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, 18 by multiply by 7 करोगे तो कितना आएगा? 126। ये आप करके देखना अपने से। ठीक है, अब बात आती है साइन की। ठीक है, तो साइन में कोई भी नया दिमाग फिर नहीं लगेगा। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे आपका 18 पे पॉजिटिव साइन है, 7 पे नेगेटिव साइन है, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे भी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -18 by 13। क्या है? -18 multiply by 13। तो आप 18 multiply by 13 करके देखिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 234। साइन वापस से क्या लगेगा? माइनस, और 13 पे प्लस का साइन है इसलिए माइनस प्लस माइनस। और ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस का साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब उस नंबर के आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 0 by -31। 0 multiply by -31 होगा, है ना, सॉल्यूशन में लिखेंगे। और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, -12 by -9। -12 ((-9)। मैंने ब्रैकेट का यूज़ क्यों किया है? फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी दो साइन को हम लोग जब लिखते हैं तो एक साथ नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करके ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब 12 9 जा करिएगा तो 108 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आएगा? ये आंसर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 18 into -13 + 8 into 9। देखिए यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई और माइनस का साइन यूज़ किया है, इसीलिए ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। 13 into 8 104 हो जाएगा, और 9 into 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको? देखना है कि -104 और +72, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, 104 में आप 72 को माइनस करके देख लीजिए, माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा? 32। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बड़े नंबर पे कौन सा साइन है? 104 है बड़ा नंबर, और उस पर माइनस का साइन है, इसलिए कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है -3 into -7 into -6। ठीक है, सबसे पहले आप करिए 3 into 7, पहले नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। 3 into 7 क्या होगा? 21, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे? माइनस ऑफ 6, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 6, है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अगले स्टेप में, ये वाले स्टेप में 21 into 6 क्या हो जाएगा? 126, और साइन कौन सा लगेगा? प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक, दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, जिसका मैंने आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग डिवीज़न का। ठीक है, अब डिवीज़न में आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा। लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 72 divided by -8। ठीक है, 72 divided by -8 होगा, तो आप सबसे पहले माइनस प्लस के साइन को छोड़कर जो नंबर डिवीज़न के लिए दिया हुआ है 72 को 8 से आप नॉर्मल डिवाइड कर लीजिए। 8 9 जा होता है 72, आपका आंसर क्या आ गया? 9। 9 को यहाँ आप लिख दीजिए। अब देखिए साइन के कन्वेंशन क्या होगा, साइन क्या होगा। ठीक है,
कुछ नहीं होगा साइन, वापस से क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, इसी ऑर्डर में एक सेकेंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। माइनस ऑफ 168 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 168 डिवाइडेड बाई माइनस 7 में भी आपको साइन बिल्कुल नहीं देखना है। देखिए मैं इसको सॉल्व करने का ना आपको दो मेथड बता देती हूँ, ठीक है, मतलब आप डिवीज़न वाले इंटीजर्स के क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में देखिएगा, फर्स्ट मेथड नॉर्मल मेथड है, जैसे हम लोग अभी डिवाइड किए ना, आप लोगों को 7 से डिवाइड कर लेना है 168 को, तो 7 से डिवाइड कर लीजिएगा 168 को, तो क्या आ जाएगा आंसर, 24 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 24। उसके बाद आपको लिख लेना है 24 आंसर में, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, सेकंड मेथड इसका क्या देखते हैं कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे भी डिवाइड का मतलब हो जाता है फ्रैक्शन, है ना, तो आप इसको लिख लीजिएगा माइनस ऑफ 168 बाई माइनस 7, इस तरीके से डिवाइड में लिख लेंगे। अब ऊपर नीचे है ये, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा, सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करके देखा ना, मैंने गलती से 28 लिख दिया था, 24 होगा। अब क्या कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे साइन को काट सकते हैं, माइनस माइनस का साइन कट जाएगा तो भी प्लस आ जाएगा। इस मेथड्स को यूज़ करिए, इस मेथड को बात एक ही है, आप आंसर तक तो पहुँच ही जाइएगा। ठीक है, आप, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास डिवाइड के क्वेश्चन है तो आप दोनों मेथड से ज़रूर कर कर देखिएगा, आप फिर आपको जो ईजी लगेगा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड में एक क्वेश्चन आता है फिल इन दी ब्लैंक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक तो आपका फर्स्ट प्लेस है ना, ये वाला प्लेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, और ये वाले प्लेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकेंड प्लेस। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, नॉर्मल, हमको क्या करना है, नॉर्मल डिवाइड कर लेना है 80 को 5 से, 5 वन जा 5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपको डिवाइड तो आता ही है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। साइन में फिर से देखना है, देखिए आपके आंसर में क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन, और यहाँ पे आपका एक नंबर जो है वो प्लस में है, है ना, ये वाला 80 वाला नंबर जो है वो प्लस में है ना, तो सेकंड वाला जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, माइनस में, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, और माइनस फाइव बनेगा, इसीलिए आपको 16 तो लेना ही है, और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। याद रखिएगा कि डिवाइड तब करना है जब हमको कब क्या पूछा है, सेकंड प्लेस की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में आपके, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ब्लैंक डिवाइडेड बाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 25। जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट की वैल्यू पूछेगा, मतलब ये फर्स्ट प्लेस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना होगा। इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125। ठीक है, वापस से साइन के लिए दिक्कत हो रहा है कि भाई साइन क्या लगाएंगे यहाँ पे। आप आंसर देखिए, आंसर में क्या है, पॉजिटिव 25 है। पॉजिटिव 25 है मतलब पॉजिटिव कैसे कैसे आता है, या तो माइनस माइनस प्लस करने से आता है, या तो प्लस 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 करने से आता है। तो आपका एक पहले से माइनस दिया हुआ है, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा ना, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये माइनस और माइनस का साइन कट जाएगा, आप 125 से 5 को डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका 25 आंसर आ जाएगा। तो जब भी फर्स्ट प्लेस की वैल्यू पूछे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, सेकंड प्लेस की वैल्यू पूछे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ब्लैंक डिवाइडेड बाई 165 इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने बोला ना कि फर्स्ट प्लेस की वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है।
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 165 × 1 = 165, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 165। वापस से साइन का दिक्कत है कि भाई साइन पॉजिटिव लगाए कि नेगेटिव लगाए, तो ये उन बच्चों को दिक्कत है जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं। जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि साइन क्या होगा। ठीक है, देखिए आंसर में क्या है, साइन -1 है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव 165। देखिए आपको अभी साइन के लिए क्वेश्चन से चलना होगा, आप अपने मन से नहीं लगा सकते। ठीक है, आंसर में -1 आ रहा है ना, तो आपको याद कर लेना है कि माइनस किस में आता है। तो हमको पता है भाई माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 165 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमको अगले नंबर को नेगेटिव लिखना पड़ेगा आंसर वाले नंबर को, तभी तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा ना, तब जाके आपका आंसर जो है वो एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइन लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर, 1 / ब्लैंक = -1। तो क्या करेंगे बताइए, सेकंड प्लेस को फाइंड करना है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करिएगा तो 1 आएगा। फिर से साइन को कैसे मैनेज करेगा, आंसर देखना है, आंसर में क्या है, -1 है। तो अब यहाँ पे +1 है, तो ऑब्वियसली आपको अगला नंबर माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो होगा ना प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, आपको फर्स्ट प्लेस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन में आपको क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे, आंसर क्या है, -2। इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू जो होती है ना वो आंसर होती है। ठीक है, माइनस दिया हुआ है, तो व्यस्त अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन कैसे एडजस्ट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -34। ठीक है, अब आपको आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिर मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन डाल दिए हैं, उसके आंसर दे दिए हैं। अगर आपसे ये होमवर्क क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो मैं इसको अगले वीडियो में फिर से डिफाइन कर दूंगी। अब मेरे सारे वीडियोस देख लेने के बाद, होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने के बाद, आप इंटीजर्स को आई लव यू बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे पता है इससे पहले काफ़ी बच्चों को इससे डर था, लेकिन 3 वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कोई आपको टॉपिक डीपली समझना हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिविज़न के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, वो बच्चों के लिए थोड़े टफ हो जाते हैं, इसलिए मैंने उसको वीडियो में मेंशन नहीं किया है। मैंने क्वेश्चन से आपको समझाने का इजी तरीका लेकर सॉल्व किया है। ठीक है, आपको समझ में जल्दी आ जाए इसलिए। ठीक है, अब बच्चे इंटीजर्स को बिल्कुल आई लव यू बोलें और एग्ज़ाम में जाएं, पेपर अच्छा दें, और किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय टू ऑल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, बाय।